तहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन थ्री की घोषणा नहीं हो रही है। सैनिकों में गुस्सा है। जेपी नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिले और धमकी दे डाली। क्या धमकी दे डाली? यदि आप अभी इस महीने नहीं करोगे तो मैं फिर आपको सिखाऊंगा सब। आखिर क्यों इतने बड़े उत्तेजित हो रहे सैनिक, इसकी खबर की बात करूंगा। और दोस्तों, यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, आपका ज्यादा पैसा कट गया है तो उसके रिकवरी के लिए एक नया नियम, नया लेटर जारी हुआ है, यानी इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा दोस्तों, यानी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त और कोस्ट गार्ड के जाबाज सैनिकों ने गवाई जान और कईयों की तलाश है जारी। और दोस्तों, वाह क्या सैनिक है, 50 बार ब्लड डोनेशन। एक सैनिक जो कि नौकरी भी कर रहा है और एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन थ्री की, यानी कल सोमवार 2 सितंबर 2024 की न्यूज है। वन रैंक वन पेंशन थ्री के भुगतान में देरी से पूर्व सैनिकों में रोष, ये खबर है। और क्या है, वन रैंक वन पेंशन थ्री के भुगतान में देरी से पूर्व सैनिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। नीम का थाना पूर्व सैनिक संगठनों के महासचिव देवी सिंह ने बताया कि जुलाई 2024 से लागू वन रैंक वन पेंशन जुलाई माह की पेंशन के साथ मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो अगस्त की पेंशन से भी मिलना शुरू नहीं हुआ। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही, सरकार कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है। 26 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल के उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन थ्री की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है। ऐसे में जब कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है तो सेना पेंशन कार्यालय प्रयागराज टेबल जारी कर भुगतान करने में बेवजह क्यों देरी कर रहा है। नीम का थाना पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतने बड़े लीडर जेपी नड्डा, हरियाणा प्रांत के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल से संपर्क कर कहा कि हरियाणा व पूर्व सैनिकों का बाहुल्य क्षेत्र है, हरियाणा पूर्व सैनिकों का बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अगले माह यानी 5 अक्टूबर को चुनाव भी हैं। अगर वन रैंक वन पेंशन थ्री का समय रहते भुगतान न किया, चुनाव से पहले भुगतान नहीं किया तो सही रहेगा। इस बार हरियाणा राज्य के भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल ने बताया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, और इससे प्रेशर में आकर उन्होंने कहा है कि मैं रक्षा मंत्री जी से आज ही बात करूंगा। उन्होंने कहा मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। नीम का थाना पूर्व सैनिक अध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि देश के उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा था कि वन रैंक वन पेंशन थ्री के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद इसके देरी करना पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं के साथ अन्याय है। दोस्तों, ये होता है प्रेशर। यदि आप संगठित हैं तो प्रेशर डाल सकते हैं, यानी नड्डा जी को प्रेशर में डाला और जाकर के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को डाला। उन्होंने तुरंत कहा बस अभी हमें 1-2 दिन का समय दीजिए, हम राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे। उन्होंने कहा चुनाव है, चुनाव से पहले आप घोषणा करते हो तो ठीक है, नहीं हम अपना पैतरा बदलेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब आपने कैबिनेट कमेटी में अनुशंसा कर दी, लोकसभा में आपने वक्तव्य दे दिया, फिर पेंशन टेबल क्यों नहीं है तैयार, इसके ऊपर उन्होंने कहा। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सबको एक चीज, जो लेटर हम मांगते रहते हैं कि सर ऐसा क्या है, एक ऑफिस मेमोरेंडम नया है 2024 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सब्जेक्ट है लिखा है वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मोड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल इंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रेगुलेशन। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली से छूट, मंत्रालय विभागों के लिए सामान्य आदेश। अब नए आदेश जारी किए गए हैं और नीचे साइन है, आप समझ सकते हैं, सीपी कुशवा, यूनियन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये लेटर निकला है। चाहिए तो आप ये अंग्रेजी में ले सकते हो। अब क्या क्या है, अब मैं बता रहा हूं इसकी क्या किन किन कंडीशन में हो सकता है, इसकी कंडीशंस 1, 2, 3 क्या होंगी, मतलब हम किस तरीके से इस पर कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, नीचे हस्ताक्षर को यह कहने का निर्देश दिया गया, यानी जो इन्होंने कहा स्टेटमेंट दिए कि वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम DFPRS यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस पावर रूल्स, यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस पावर रूल्स DFPR का नियम 15 सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली से छूट से संबंधित है। इस नियम के अनुसार भारत सरकार का कोई भी विभाग, कोई प्रशासक विभाग, कोई अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण जिसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा या उसके तहत शक्तियां सौंपी जा सकती हैं, उस नियम के तहत निर्धारित कुछ शर्तों पर वित्तीय सीमा के अधीन सरकारी कर्मचारियों को उनकी पात्रता से अधिक, गलती से अधिक भुगतान
की गई राशि की वसूली में छूट दे सकता है। आप समझ सकते हो ये तो कोई अधिकारी है जो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन है और उसके पावर में आता है, और DFPR 2024 का नियम 15 के तहत ऐसा प्रावधान है। अब कंडीशन क्या है, अधिक भुगतान की वसूली के लिए आदेश की तिथि ऐसी वसूलों के छूट के बारे में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। अधिक भुगतान की वसूली के लिए एक ऐसा आदेश जिसका एक महीने के अंदर ही सारा काम हो, यदि आपको साथ हो गया तो उसका प्रोसेस एक महीने में निपटाया जाए। तो पहली कंडीशन है कि अधिक भुगतान का पता चलने की तारीख से एक महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए। यदि आपको अधिक भुगतान हो गया तो आप रिसेंटली उसी समय कार्रवाई करें एक महीना पहले। तो दूसरी कंडीशन, DFPR 2024 के नियम 15 के अनुसार भारत सरकार का कोई भी विभाग विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 2,00,000 तक के अधिक भुगतान की वसूली को माफ कर सकता है। अब उन्होंने नियम में 2,00,000 से ज्यादा ऐसे मामलों को करते समय यदि वो 2,00,000 की छूट का पहला 30 दिन दूसरा 2,00,000 की छूट, उसमें भी क्या कंडीशन है कि उन्होंने कहा मंत्रालय विभागों को सभी प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए, DFPR 15 नियम के अनुसार उनके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करो, विभागों को यह सत्यापित करना चाहिए कि छूट के मामलों में किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई गंभीर लापरवाही नहीं हुई, यानी जिसकी जिसको आपने अधिक पेमेंट किया रिक्वेस्ट करें उसकी कहीं गलती तो नहीं, उस तरह की जाँच होनी चाहिए। यदि किसी मंत्रालय विभाग का ये विचार है तो ऐसे नियमों में संशोधन, यानी यदि उनको ऐसा लगता है कि गड़बड़ है तो उसकी अनुशंसा करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिनांक 2/3/16 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को किए गए अतिरिक्त भुगतान की छूट पर विचार करते समय कड़ाई से पालन करना चाहिए, छूट के प्रत्येक मामले की संतुति वित्तीय सलाहकार द्वारा, यानी आप माफ कर रहे हैं तो आपका पूरा प्रोसेस ऑडिटेबल है, आपने हर एक डिपार्टमेंट से इसकी संतुति यानी रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां वसूली से छूट न्यायालय के निर्देश से उत्पन्न होती है तो कोर्ट आदेश देता है तो अलग बात, और इसकी यह नियमों या प्रक्रियाओं को गलत व्याख्या या ऐसा लगता है उन्होंने गलत तो नहीं की ये सारी चीज होगा, यानी ये एक लेटर है, आप चाहिए तो इस लेटर को आप ले सकते हो। और दोस्तों सामने जैसा कि आप समझ सकते हो कि 2 दिन पहले हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, अरब सागर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल के 2 सदस्यों के सब बरामद हो गए और एक की तलाश जारी। आप देखते हो कितनी आपके ये जीवन का एक हिस्सा है, कितना दुखद है कि गुजरात के करीब अरब सागर में भारतीय तटरक्षक का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पोरबंदर तटरक्षक बल के IG पंकज अग्रवाल ने जानकारी दी कि अभी 3 लापता चालक दल के सदस्यों में से 2 को कमांडेंट विपिन बाबू और PA VK करण सिंह के शव बरामद कर लिए गए। कमांडेंट राकेश राणा के लिए तलाशी अभियान जारी है। आप देख सकते हो इनकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की। इनके किसी अधिकारी ने कल हमसे बात की कि अब आगे आगे जाँच होगी वो अलग बात है। गुजरात में भारी बारिश से लोग वैसे ही बेहाल हैं, आप देख सकते हो कितनी रेस्क्यू में भी ये चल रहा था। तो गुजरात के करीब अरब सागर में भारतीय तटरक्षक का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आपने ये सारी चीज़ें देख ली। तो भगवान हम चाहते हैं कि इस तरीके की हालत हमारे सामने प्रेस हो जाती है और एक का अभी तक बॉडी रेस्क्यू नहीं की गई है, और हम अपने चैनल की तरफ से उनके परिवार को उस दुख सहन करने की भगवान उनको शक्ति दे, और जो इस काम के लिए शहादत हुई है उनको प्रभु अपने चरणों में जगह दे। और एक ऐसा कारनामा जो कि एक देश के बहादुर सैनिक ने अपने जीवन काल में 50 बार रक्तदान बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, वाह सैल्यूट सोल्जर। वैसे भी सेवा करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं, जान की परवाह करते हैं, लेकिन अपना खून देकर भी इस सैनिक जान बचारा एक बार होनी 50 बार दिया है। प्रयागराज प्रतापगढ़ ब्यूरो जनपद के संडवा चंद्रिका के कोडरा माधपुर गांव निवासी देश के लिए अपनी सेवा देने वाले बहादुर सैनिक जितेंद्र उर्फ लल्ला ने अपने जीवन काल में सन 2007 से 2024 के बीच 50 बार रक्तदान करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। अपनी नियमित सैन्य सेवाओं के बावजूद जितेंद्र द्वारा लगातार रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इसके लिए इस मानवीय कार्य से कई लोगों का जीवन बचाया जा चुका है। रक्तदान के इस रिकॉर्ड को स्थापित करते हुए सैनिक ने समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस देश सेवा सीमाओं के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी किया सकती है। जितेंद्र उपलल्ला द्वारा किए जा रहे इस नए कार्य को देखते हुए राज हॉस्पिटल एंड ब्लड सेंटर ने उन्हें एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। उनकी इस उपलब्धि को देखकर उनके साथी सैनिकों और अधिकारियों ने भी उनकी सराहना की और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप देखा जा रहा है। उनकी यह निस्वार्थ सेवा भावना देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, उदाहरण है कि कैसे वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह सैनिक न केवल देश की सीमाओं की रक्षा में गड़ी है बल्कि अपने रक्तदान के माध्यम से समाज की भी सेवा कर रहा है, जो वास्तव में एक सराहनीय, एक लायक यार
एक लाइक इस सोल्जर के लिए, प्लीज एक लाइक इसके लिए जरूर करना, इसको जरूर एक बार अप्रिशिएट करना, ताकि ये न्यूज वहां तक जाए तो लोग उनके वो ये कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। कितना अच्छा लगता है कि एक हमारा बीच से एक फौजी 50 बार ब्लड डोनेट कर चुका है, यानी सरहदों की रक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, और अपना ब्लड देके लोगों की जान बचा रहा है। मैं इसको सल्यूट करता हूँ। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।